गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर ना मेरे सुबह के काम शुरू हो चुके हैं, जैसे कि चाय वगैरह बनानी होती है और बाकी काम में और काम मैं कर भी चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं चाय बनाने लग गई थी, इधर चाय भी रख दी है मैंने, और दूसरी तरफ ना कुकर में मैंने अरबी और आलू भी बॉईल करने रख दिए हैं। जैसे कि मुझे बनानी है अरबी की सब्ज़ी और आलू की बनेंगी कचौड़ियाँ, तो और दाल की भी बनेंगी, दोनों तरह की कचौड़ियाँ बना लूँगी मैं। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज श्राद्ध का लास्ट दिन है, तो अपने अपने पितरों को विदा किया जाएगा। मतलब सभी आज के दिन तो सभी करते हैं, लास्ट वाले दिन ना, क्योंकि अमावस है तो लास्ट वाले दिन सभी करते हैं इसका ना, जैसे कि जो भी होते हैं श्राद्ध करते हैं, हम भी कर रहे हैं। तो वही सब तैयारी तैयारी नहाने के बाद ना सीधा मैं किचन में गई, और किचन में मेरी तैयारी कुछ हो चुकी है और कुछ बाकी रह गई है। और फिर मुझे ध्यान आया, मैंने वीडियो तो शुरू किया ही नहीं आज, तो मैंने कहा चलो वीडियो शुरू कर देते हैं पहले, फिर अपना बाद में काम करेंगे किचन में। और कल नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खूब अच्छे से नवरात्रि मनाओ। और जो व्रत रहते हैं 9 दिन वाले, वो अपना अच्छे से व्रत रहें, व्रत संपूर्ण हो उनके, और यही सब पूजा पाठ अच्छे से हो, क्योंकि नवरात्रि आ जाते हैं तो मतलब खुद ही अंदर से ना घर में जैसे पूजा पाठ होती है, जो उसकी खुशबू होती है ना, जो अग्यारी करते हैं बहुत अच्छी लगती है घर में ना, घर में बहुत शांति मिलती है उस अग्यारी से ना। तो सबको इसी तरह अपना पूजा वूजा करें बढ़िया से। और कल ना मेरा भाई आया था रात को, भाई और मेरे जो जीजा जी हैं वो आए थे, लेकिन मैं जीजा जी नहीं बोलती उनको, भैया बोलती हूँ पहले से ही, क्योंकि उनको ना मैं शादी से पहले ही जानती हूँ, तो मैं उनको भैया बोलती हूँ शुरू से ही। तो वो भैया आए थे और दो भैया गाँव से और थे, तो वो रात को 11:30 बजे के करीब आए वो। फिर रात को हमने गपशप की, 2-3 बज गए शायद, मुझे लगता है 1-आध घंटे सोए होंगे वो लोग, और फिर 5 बजे फिर चले गए उठ के, 5 बजे गंगा नहा के, क्योंकि गंगा नहा के जाना था उनको, तो गंगा नहा के और 5 बजे चले गए, क्योंकि सभी लोग मतलब गंगा में आते हैं ये जो श्राद्ध का लास्ट दिन होता है ना, अपने पितरों को जैसे कि मैंने बताया वो विदा किया जाता है, तो गंगा जी नहाने आते हैं सब लोग। तो कुछ अपना करते हैं, कुछ नहीं भी करते होंगे शायद, लेकिन वो मेरे मामा जी का बेटा है, वो ज़रूर आता है, हर बार आता है वो। तो रात भी आया, और उस समय वीडियो वगैरह कुछ बन नहीं पाई। पता है रात में मैंने कहा क्या, दिमाग में ही नहीं आया कुछ भी, नहीं तो थोड़ा सा मिलाते हैं आप लोगों से। मेरे मामा जी का बेटा है, और वो बहन मामा जी की, मतलब वो थे दामाद थे मामा जी के, जैसे कि मैंने पहले वीडियो ना डाल रखी है उनकी, जो घर बना था ना वही वाले भैया आए थे, तो वो सब जा चुके हैं, 5 बजे ही चले गए। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा वही अपना काम वाम में लग गई, और अब नहाने के बाद मैं फिर काम में लग गई थी, मैं किचन में काम बहुत कर लिया है मैंने, सब्जी वगैरह भी बना के रख ली है, और अभी थोड़ा सा टाइम है उसके लिए, तो मैंने कहा अभी बाकी तैयारी और पूड़ियाँ वगैरह वो सब सेकनी है अभी, तो जो पूजा करेंगे फिर मतलब जो भी है जो भी होता है आज, तो वो सब करेंगे। और रात में ना ऐसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, कोई आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है ना घर पर, तो रात में गपशप की। और प्रिया सो चुकी थी, मैं भी सो गई थी थोड़ा सा, तभी सोई थी, तभी वो लोग आ गए, वैसे बता दिया था, मतलब ऐसा ना 9
9:30 बजे के करीब बता दिया था उन्होंने कि मैं आऊँगा दीदी, तो अच्छा लगा वो आए। और अब मैं लगूँगी किचन की तैयारी करने, किचन में मतलब काम की, खाने पीने की जो भी होगा और जो भी हम वो करते हैं। तो चलिए फिर मैं अब लगती हूँ, और फिर बाद में मिलूँगी आपसे ना, बाद में लास्ट में बात करूँगी। फिर अब मैं लगती हूँ अपने काम में, किचन में, क्योंकि पूड़ियाँ वगैरह तलूँगी, कचौड़ी वगैरह। तो चलिए फिर। तो यहाँ पर मेरी सब्जी बन के हो चुकी है तैयार, और आलू की कचौड़ियों के लिए ना पिट्ठी बना ली है, खीर बनाई है, ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया आज, और दाल की कचौड़ी बनाई है, एक सब्जी और खीर बनाई है। तो ये सब मैंने बना लिया है यहाँ पे। यहाँ पर मैं अब पूड़ियाँ सेकने के लिए लग गई हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी पूड़ियाँ भी सेक लूँगी, कचौड़ी भी सेक लूँगी, तो खाना बन के मेरा तैयार हो जाएगा। और देखिए मतलब कितनी अच्छी फूली फूली कचौड़ियाँ आ रही हैं ना, बहुत अच्छी। और किस किस के यहाँ पे इतना पकवान बनता है, मेरे घर पे तो बहुत ही बनता है, पता नहीं कितने त्यौहार होते हैं तो बहुत पकवान बनता है। तो देखिए कितनी अच्छी कचौड़ी लग रही है ना यहाँ पे, सिकी हुई पूड़ी कचौड़ी। और उधर मैं अपनी प्लेट भी लगा के तैयार कर लूँगी, और देखिए कितना अच्छा खाना लग रहा है। तो देखिए मेरी प्लेट भी लग के हो गई है तैयार, और अरवी की सब्जी है, खीर है, पूड़ी कचौड़ियाँ हैं। तो आप सब भी खा लीजिए खाना हमारे साथ में, तो खीर पूड़ी कचौड़ी। तो जैसे कि आज श्राद्ध है तो इसलिए मतलब ये खाना बना है, और उसके बाद में हो चुका है यहाँ पे शाम का टाइम। तो शाम को ना मैंने अगले दिन के लिए तैयारी की है, क्योंकि जैसे कि नवरात्रि है तो उसमें भोग लगाने के लिए ना मैंने घर पे ही मावा बना लिया था एक दिन पहले। तो वो मावा बनाया, तो देखिए मेरा मावा मैंने कढ़ाई में कर लिया है उसको, और उसके लिए लिया है मैंने बूरा, मावे के लिए मतलब बूरा इलायची पाउडर, और थोड़ा सा लिया है मैंने नारियल बुरादा, और मतलब इतना ही मावा होगा मेरा जितना कि मैंने बूरा लिया है यहाँ पे। और ये मैं माता रानी के भोग के लिए लड्डू बना के तैयार कर लूँगी, क्योंकि मतलब हम रख लेते हैं ना, तो रोज़ अपना 2 लड्डुओं से सुबह को भोग लगा दो, और नहीं होता तो बाज़ार से भी मंगा लेते हैं। इससे क्या होता है कि ये अपना घर का होता है तो शुद्ध हो जाता है बिल्कुल, जैसे कोई व्रत भी रहता है तो उसमें भी खा सकते हो इसे। तो इसलिए ना मैं इसको हाथों से अच्छे से मिला लूँगी, सभी चीज़ों को मैंने इसमें डाल लिया है। और इसमें ना इलायची पाउडर बहुत अच्छा लगता है इसमें, जैसे कि इलायची पाउडर डालो उसकी खुशबू ना बहुत अच्छी लगती है इन लड्डुओं में। और यहाँ पे ना मैंने बूरा जो है मोटा वाला बूरा लिया है, ये वाला नॉर्मल वाला बूरा नहीं है, ये मोटा बूरा लिया है। और इसकी जगह ऐसा नहीं है कहीं नहीं मिलता तो आप वैसा बूरा भी ले सकते हो, तो यहाँ पे मैंने मोटा बूरे के लड्डू बनाने थे मुझे, और वो वाले अच्छे भी लगते हैं। तो मैंने कहा चलो ये व्रत में भी काम आ जाएंगे कल, और भोग भी लगता रहेगा। तो इस तरीके से ना मैं बना के रख लूँगी इसको, हाथों से अच्छे से मैश कर करके ना, और इसको फिर लड्डू लड्डू बना लूँगी सभी के, और उसके बाद इसे अलग रख दूँगी, जैसे कि हम ना खाने पीने का हाथ ना लगाएं, कुछ ना लगाएं इसमें। तो इस तरीके से ना मैं अलग बना के रख दूँगी इनको फ्रिज में, और भोग लगता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये शाम को ही तैयारी कर ली थी, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत काम हो जाता है,
बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। आप सब जानते होंगे, जो काम करते हैं उन्हें पता होता होगा कि सुबह है ना बहुत काम होते हैं, तो इसलिए ना मैंने शाम को तैयारी करके रख ली थी इसकी। मैंने कहा इनको बना के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह को और ज़्यादा काम हो जाएगा, साफ़ सफाई और ये सब, तो इसको सुबह सुबह नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से, देखिए मैं लड्डू बना के सारे तैयार कर लूँगी, और एक जैसे कितने अच्छे लड्डू लग रहे हैं ना, और इस पे आप नारियल बुरादा भी लगा सकते हो। देखो कितने अच्छे अच्छे लड्डू लग रहे हैं मेरे, भोग के लड्डू तैयार हो चुके हैं, माता रानी का भोग। तो सुबह खाना वाना बनाने के बाद में फिर ना आपसे बात ही नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप लोगों से। और आप लोगों के यहाँ कैसी तैयारी चल रही है नवरात्रि की? नवरात्रि है कल से, और ये वीडियो तो आपके पास कल ही जाएगा, तो अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो और हमारे भी गए हैं बच्चे सामान लेने के लिए, गए हैं जो पूजा पाठ का सामान होता है ना, वो सामान लेने के लिए गए हैं। फिर थोड़ी सी कल कोई पूजा की तैयारी होगी, क्योंकि आज ही सामान वगैरह ला के रख लेंगे ना, तो कल फिर इतना वो नहीं होता, नहीं तो पूजा में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सफाई वगैरह भी होती है। कल को सब सफाई भी होगी सुबह को, क्योंकि अभी श्राद्ध खत्म हुए हैं, तो अगले दिन ना सब पूजा पाठ की सफाई, मतलब मंदिर की सफाई और वो सब, वैसे भी अपनी सफाई होती है, घर की भी सफाई होती है, चादर वगैरह चेंज करना। हाँ आप लोग सोचा कि बहुत चादर चेंज करती है, तो मुझे ना आदत है, मतलब कुछ भी होता है तो मतलब एक हफ्ते में एक बार तो हो ही जानी है, अब इस बार तो और जल्दी हो जाएगी है चेंज, क्योंकि अब नवरात्रि है, तो फिर सोचते हैं ना कि पूजा पाठ है तो चलो चेंज ही कर देते हैं, धो लेंगे क्या हो गया क्योंकि आजकल हाथ से तो धोने नहीं होते, मशीन में धुलते हैं, तो लगता है ना कि साफ़ सफाई हो जाए। चलो तो अभी बच्चे सामान लेने गए हैं, जैसे कि सामान तो पूजा का वही होता है, इसमें लौंग और गूगल और बतासे और सामग्री, यही सब पूजा पाठ की जितनी भी चीज़ें होती है, कुछ ना खाने के लिए भी लाएंगे, जैसे कि प्रिया साबूदाना जरूर लाएगी अपने लिए उसको तो साबूदाना बहुत पसंद है, तो वो साबूदाना खाएगी, तो वो सब भी ले आएंगे आज ही। और बाकी बाजार से धनिया वगैरह जो हरी चीज़ें लानी होगी, धनिया हरी मिर्ची, तो ये सब भी ले आएंगे, क्योंकि कल को ज़रूर चटनी बनेगी बिना चटनी के तो ये खा ही नहीं सकते। तो इनका यही होता है कि व्रत हुआ तो व्रत में अपना करना कि भाई ये बना लो वो बना लो, तो व्रत में ऐसे ही करते हैं ये अपना वो सामान भी ले आएंगे सब। और देखो कितनी, और जब भी आपसे बात करने बैठो ना, कभी बाइक कभी कुछ, इतनी आवाज़ आती है ना रोड पे बहुत ज़्यादा, और जो बुलेट होती है ना वो तो बहुत आवाज़ करती है, बुलेट होती है, पता नहीं कौन सी बाइक होती है बहुत आवाज़ करती है। तो अभी सामान वगैरह लाएंगे बच्चे, और सुबह से, सुबह भी थोड़ा बहुत ही सूट किया था, क्योंकि वही श्राद्ध का हुआ था, और बाकी किसी को बुलाया नहीं था आज, मैंने खाना खाने के लिए बुलाया नहीं था, जैसे कि थाली लगा के भेज दी थी, तो किया नहीं था कुछ भी, मतलब घर पे नहीं बुलाया था, क्योंकि लास्ट में किसी का है नहीं है, मतलब लास्ट में लेकिन कर देते हैं, और ये तो शायद सभी करते होंगे लास्ट वाला ना, तो मावस का श्राद्ध जो होता है वो सभी कर देते हैं, कि भाई ये तो अच्छा होता है कि पितरों के लिए अपना पितृ विदा होते हैं आज के दिन, तो 16 दिन मिले हुए हैं इनको भी खाने के लिए, कहते हैं ना पूरी साल में अपना 16 दिन के लिए अपना जो भी खिलाओ इनको मिलता है, ऐसा बोला जाता है हमारे, मतलब बड़े जो होते हैं वो बोलते हैं ऐसा, तो होता होगा भाई, मानते हैं ऐसा, हम सब भी मानते हैं ऐसी चीज़ों को, कि जो बड़े समझाते हैं तो वही चीज़ करनी चाहिए हम लोगों को ना। देखो फिर से बाइक की आवाज़ और बार बार ना, कभी कुछ चलता ही रहता है यहाँ पे ना, तो वही सब। अब कल से ना थोड़ा सा मतलब ठीक हो जाएगा, जैसे नवरात्रि आएंगी तो नवरात्रि में बहुत अच्छा लगेगा,
श्राद्ध होते हैं तो थोड़ा मन ना अच्छा नहीं रहता, और नवरात्रि शुरू होंगे तो थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान जाएगा, जैसे हमें सुबह से ही लगेगी कि अरे तैयारी करनी है। होता है ना, आप सबको भी होता होगा कि भाई तैयारी करनी है, माता रानी को बुलाना है घर पे, और अच्छे से मतलब करते हैं पूजा पाठ, सभी करते हैं इसी तरह से। सुबह जल्दी काम ख़त्म करना, नहाना धोना, पूजा करना, सभी करते हैं और बच्चे भी करते हैं। हमारे तो बच्चे भी व्रत रहते हैं, सभी सभी शुरू से ही रहते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी, पहले से ही ना, जब से बचपन से छोटे छोटे बच्चे थे तभी से व्रत रहते आ रहे हैं। जो जो बड़े व्रत पढ़ते हैं ना तो सभी सभी रहते हैं। बाकी वैसे जो नॉर्मल व्रत होते हैं, हम जैसे रहते हैं कि महीने में अष्टमी है या कुछ है, तो वो तो हम लोग ही रहते हैं। बाकी जो बड़े बड़े व्रत होते हैं, और शायद देखो नवरात्रि का शायद पूरे तो ना रहूँ, शुरू और लास्ट के तो रहते ही हैं हम लोग, और पहले तो रहती थी, पहले व्रत रहती थी, मतलब पूरे पूरे रहती थी। और शादी से पहले ना, शादी से पहले तो क्या कहते हैं, वैसे वाले व्रत भी रहे हैं जो कि वो होते हैं ना, जिसमें कुछ भी नहीं लेते, वो वाली व्रत भी रहे हैं मैंने। और मैंने भी बहुत बचपन से किए हैं व्रत, जब मैं भी छोटी थी तो हम लोग ना वहाँ पे, हमारे मम्मी पापा हमें मतलब वहाँ लेके गए, वैष्णो देवी और नगरकोट वगैरह जाते हैं ना दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे लेके गए। तब से मैंने व्रत रहना शुरू किया, और मैं ना छोटी थी, होंगी कम से कम मतलब 5-7 साल की बस इतनी होंगी, और तब से व्रत शुरू किए थे मैंने 9 दिन के। और अब शादी के बाद भी बहुत रहे, अब ऐसे ही हो जाता है, गैप हो जाता है बीच में, मतलब शुरू और लास्ट के रहते हैं, तो इसका भी एक अलग ही वो होता है, अच्छा लगता है पूजा पाठ की, मतलब अच्छी लगती है। तो कल को देखो, तो एक बार फिर से बोलूँगी, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप नवरात्रि बहुत अच्छे से मनाओ, बहुत सारी माता रानी आपके घर में खुशियाँ लेके आए। और चलिए, तो फिर मैं इस वीडियो का ना यहीं पर एंड करूँगी, और मिलूँगी आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो न्यू मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फिर, बाय बाय।